Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with unit number 16, the Holy Kaaba, and it's one of my favorite topics of Islamic history and geography as well. Holy Kaaba, being a Muslim, we people know a lot of things about Holy Kaaba. It's the most precious and most sacred place for us. जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे लिए. काबा के गिर्द जो है हम लोग मुस्लिम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो आते हैं, हज अदा करते हैं, तवाफ़ करते हैं. इसको अल्लाह का घर कहते हैं. होली काबा का मतलब है अल्लाह का घर. और उसके अलावा अगर हम साइड इंफॉर्मेशन इसकी देखें तो होली काबा वाज़ बिल्ट बाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलोंग विद हिज सन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम. और जब ये बनाया गया था तो ये सिर्फ़ एक इस तरह से रेक्टेंगुलर जो है ना, जिस तरह इस शेप का है, ये सॉरी क्यूबिक शेप का जो था वो एक रूम था. और इसके ऊपर छत भी नहीं थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया था, ठीक है. और इसके अलावा हिजरे अस्वद जो जन्नत से आया हुआ जो पत्थर है वो वहाँ पर नस्ब किया गया था, उसकी दीवार में लगाया गया था. और हमारे लिए मुस्लिम्स के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सेक्रेड जो पाक जो है वो जगह वो होली काबा है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. द होली काबा इज़ द हाउस ऑफ गॉड सिचुएटेड इन ब्लेस्ड सिटी ऑफ मक्का. होली काबा जो है इसको क्या कहते हैं, अंडरलाइन कर लें, हाउस ऑफ गॉड, अल्लाह का घर. सिचुएटेड का मतलब होता है कायम है, इन द ब्लेस्ड सिटी ऑफ मक्का, ठीक है, मक्का के मोजिस शहर में. मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस प्लेस टू ऑफर हज एवरी ईयर. और पूरी दुनिया के मुसलमान यहाँ आते हैं हज अदा करने के लिए. इट इज़ बिलीव्ड दैट द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर द होली काबा इज़ बिल्ट हैज़ बीन कंसिडर्ड होली सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. और ये कहा जाता है, इस बात पे यकीन है कि अब इस जिस जगह पे होली काबा मौजूद है वो जगह जब से दुनिया बनी है तब से किसी ना किसी पाक जो है ना जगह के तौर पे मशहूर है, ठीक है. होली का मतलब होता है पाक, ठीक है. दिस इज़ वैली सिचुएटेड, वैली वादी है, सिचुएटेड नियर द माउंट फरान और द माउंटेन ऑफ लाइट, ठीक है. ये कहाँ पर है, माउंटेन माउंट फरान और माउंटेन ऑफ लाइट पर जिसको कहा जाता है, ये उसके करीब जो है ये वैली है. वैली कहते हैं वादी को. हज़रत इब्राहीम हु वॉज द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ गॉड लिविंग अराउंड 4,000 ईयर्स अगो वॉज टोल्ड बाय गॉड टू लीव हिज वाइफ बीबी हाजरा एंड सन इस्माइल इन दिस वैली. और बहुत टाइम पहले, तकरीबन 4,000 ईयर्स पहले, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे को इस वादी में छोड़ आएं. ही ओबेड द ऑर्डर ऑफ गॉड, उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की. लेटर बाद में अ स्प्रिंग बर्स्ट आउट ऑफ द ग्राउंड. स्प्रिंग कहते हैं चश्मे को, ठीक है. एक चश्मा जो है वो ज़मीन में से उभरा. So that the young Ismail could drink water, ताकि उनके जो प्यासे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिला सके. This spring is called Zamzam. उस spring को क्या कहते हैं, Zamzam, and is considered holy by the Muslim. और इसको holy पाक considered किया जाता है, आबे Zamzam जो हम पीते हैं. Okay, कल हम थोड़ी सी दोबारा से हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्रॉपर स्टोरी को डिस्कस करेंगे और जमजम की स्टोरी को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आप ये जमजम एग्जैक्टली हुआ फूटा कैसे था. ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.